नमस्कार दोस्तों, मई का महीना चल रहा है, गर्मी अपने पूरे शबाब पर है और आलम यह है कि पानी के लिए चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। एक ज़माना था, शहरों में आपने अक्सर देखा होगा कि पहले लोग मटके में पानी भर के और रेत में गाड़ दिया करते थे ताकि राह चलते पथिक को पीने को पानी मिल जाए, या फिर जगह जगह प्याऊ लगवा दिया करते थे। लेकिन धीरे धीरे यह चलन भी शहरों से जाता रहा। लेकिन ज़रा सोचिए, इंसान तो फिर भी अपने पीने के पानी का इंतज़ाम जैसे तैसे कर लेता है, लेकिन ज़रा सोचिए इस भीषण गर्मी के अंदर उन पक्षियों का क्या हाल होता होगा जिन्हें पीने के लिए पानी नसीब नहीं होता। क्योंकि अब ना तो हमारे पास कोई प्राकृतिक स्रोत बचे हैं, जैसे कुएं होते हैं, तालाब या झीलें। पक्षी पहले इन स्रोतों से जाकर के अपना पानी पी लिया करते थे, लेकिन अब जो प्राकृतिक स्रोत हैं वो तो सब हमने सुखा डाले हैं। और अब एक यही विकल्प बचता है कि हम अपने अपने स्तर पर इस भीषण गर्मी के अंदर पक्षियों के लिए पीने के पानी को रखें, अपने घरों में, घरों के बाहर रखें, या फिर जहां भी हमें कहीं सड़क किनारे जगह मिलती है वहां पर पीने के पानी का हम जो है ज़रूर उन पक्षियों के लिए रखें, ताकि कम से कम इस भीषण गर्मी में वो पानी से तो न मरें। तो इस गुजारिश के साथ मैं इजाज़त लेता हूँ राकेश शर्मा, और फिर किसी नई बात, नई जानकारी के साथ हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।